ऑनलाइन लाइव ECM ट्रेनिंग जिसकी ड्यूरेशन 1 मंथ है और क्लास हर मंथ 1st और 15 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, इस सेंसर का काम इंजन के अंदर जाने वाली हवा का टेम्परेचर ECM को बताना होता है, यानी कि जो इनटेक मैनिफोल्ड है तो उस रास्ते से जो हवा जा रही है तो उसका टेम्परेचर क्या है। इस टेम्परेचर को मापने के लिए ही इनटेक या टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है। इस टेम्परेचर को मापकर ये ECM को बताता है कि इतना टेम्परेचर है, अपने वोल्टेज के रूप में वोल्टेज प्रोवाइड करके ECM को बताता है कि जो अंदर हवा जा रही है उसका टेम्परेचर ये है। ये सेंसर जो होता है वो 2 वायर का सेंसर है, तो ये सेंसर काम करे तो इससे ज़रूरी है कि इस वक्त सबसे पहले तो 5 वोल्ट आए। सेंसर में एक रेजिस्टेंस होती है, जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस हीट होना शुरू हो जाती है। जो ये लगी हुई है रेजिस्टेंस, ये हीट होना शुरू होती है और गाड़ी स्टार्ट होते ही इंजन जो है बाहर की हवा को अपने अंदर शक करता है और इस हवा से ये रेजिस्टेंस ठंडी होती है तो वोल्टेज की शक्ल में ECM को पता चल जाता है कि टेम्परेचर क्या है। तो कुल मिलाकर AIT सेंसर का काम इंजन के अंदर जाने वाली हवा का टेम्परेचर ECM को बताना है। इसकी लोकेशन कहाँ रहती है, किस जगह लगता है, ये एयर फिल्टर के बाद लगा रहता है। एयर फिल्टर के बाद ये सेंसर हुआ और ये थ्रोटल बॉडी और ये यहाँ पर सेंसर लगा रहता है, एयर फिल्टर के बाद लगा होता है और ये अधिकतर 2 ही वायर का होता है। तो ये डायग्राम है इसके, इस तरह ये जो सिग्नल दिख रहा है यहाँ पर ये पॉइंट, तो ये अब ध्यान रखना होगा आगे के लिए कि रेफरेंस वोल्ट के लिए या सिग्नल के लिए इस तरीके से होगा। इस तरह के डायग्राम से बहुत ज़्यादा ही हमें रूबरू होना पड़ेगा, तो अभी से ये हम इसलिए लेकर आ रहे हैं, बार बार आप लेकर आएंगे भी आगे, ताकि आप इन सारे डायग्राम से, स्कीमेटिक्स से वाकिफ हो सकें। तो जैसे ये निशान है, ये निशान अर्थ का है, ग्राउंड का है। अब ये यहाँ पर आ गया है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। सबकी शक्ल अलग अलग है थोड़ी थोड़ी, लेकिन आपको पहचानना ही पड़ेगा। ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये सेंसर रेफरेंस वोल्ट और ये निशान इस तरह से बन जाता है। ये भी जो सिग्नल्स के लिए जो ECM की तरफ जाता है, जो सेंसर अपने पास से प्रोवाइड कराता है, तो ये सिग्नल्स के लिए, ठीक है, ये पहचानना पड़ेगा आगे और इन्हें बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलें। इन जो सिंबल्स हैं इनको जहन में रखते चलें कि ग्राउंड का कौन सा है, ठीक है, और सिग्नल्स का कैसा सिंबल आ रहा है रेफरेंस वोल्ट के साथ जुड़कर। जैसा कि आपको मालूम है कि ये रेजिस्टेंस होती है इसकी, इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके वोल्टेज कम होते जाते हैं। अगर हम चेक करें, जैसे अभी हमने कपलर को बाहर निकाल लिया, सेंसर से कपलर को बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है, यहाँ से जैसे ये बाहर निकाल लिया कपलर को हमने, यानी डिसकनेक्टेड कर दिया सेंसर से, तब वोल्टेज क्या होंगे? जब डिसकनेक्टेड होगा तो ये रेफरेंस वाली पिन होगी, जो रेफरेंस वाली पिन है, ये वाली जो पिन है रेफरेंस की या ये वाली, यहाँ पर 5 वोल्ट रिसीव होंगे। और जैसे ही कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे हम कपलर को सेंसर से, तो ये वोल्ट कम हो जाएंगे, तो वोल्ट ये कम हो जाएंगे, ठीक है। अब कम होने के साथ साथ इस पर यह भी बात डिपेंड करती है कि उस समय टेम्परेचर क्या है। अब हमने जैसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इग्निशन ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट की, तो 40 का टेम्परेचर है तो वोल्ट रहेगा 2.16,
जैसे इधर हमने देखा कि ये वाला जो है एक चार्ट दे रखा है इसमें, ये वाला जैसे जैसे हीट होगा ये तो वोल्टेज इससे कम होते जाएंगे। जैसे 10.352 वोल्टेज है, इसी तरीके से 60 जब टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ 1.35 वोल्ट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर वोल्टेज इसकी आउटपुट कम मिलती जाएगी। आएंगे डीसी की रेंज पर, हम लगाएंगे मल्टीमीटर को डीसी की रेंज पर, डीसी की रेंज पर लगाएंगे और वोल्टेज चेक करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा वोल्टेज कम होएंगे, या टेम्परेचर कम होगा तो वोल्टेज बढ़ेंगे। तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है सिर्फ ख़ास तौर से कि इसके दो वायर होते हैं और इसकी दोनों वायर जो है सीधे ईसीएम से जुड़ी होती हैं, कहीं और से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। और इस सेंसर का काम ईसीएम को ये बताना कि जो ईयर जा रही है उसका टेम्परेचर क्या है, बस इसे यही याद रखना है। और जब कपलर निकाल दिया जाए, इसका इग्निशन ऑन, कपलर निकाल दिया, 5 वोल्ट आते हैं इसकी एक पिन पर डिसकनेक्ट करने पर, और कनेक्ट करने पर वही वोल्ट कम हो जाते हैं क्योंकि फिर इसका टेम्परेचर जो सेंस करके वोल्टेज कम हो जाएंगे। ठीक, निकालने पर 5 और लगाने पर जितना टेम्परेचर होगा उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखें आप।